अभी चल रहे हैं हम लोग, एक पार्क है, पार्क नाम है, वहाँ जाके बोटिंग करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय टुडे ब्लॉग, डेली ब्लॉग, जो आप अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये किसी राजा का महल नहीं है फिलहाल, क्या है ये ऑफिस है यहाँ पे, क्या है सचिवालय, सचिवालय, हाँ इसको सचिवालय बोलते हैं, ये सचिवालय है ना, किसी ये किसी राजा का प्लेस नहीं है। इतनी खूबसूरत से बनाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त है। और अभी हम लोग चल रहे हैं इसके बाजू से, चलते चलते हम लोग पार्क चलेंगे। यहाँ पे एक हुसैन सागर है, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग करने का अच्छा सा वो देख रहे हो दूर सा, पता नहीं वो क्या है, उसके अंदर भी जाना है हम लोग को, पता नहीं वो होता है वो, ये होता है सीप, होता है ना सीप, सीप, अच्छा हाँ वो सही है। तो भाई ये गेट है, जब आप पढ़ सकते हो, उर्दू में भी लिखा हुआ है, ये कन्नड़ नहीं है, तमिल है, तेलुगु है। ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी, तो ये सेक्रेटरी है, तो पूरा सेक्रेटरी यहीं से कंट्रोल होती है। बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है यार, सॉरी अब हमको धूप लग रही है, धूप है ना विलास, कहाँ से यार, गेट किधर है, गेट किधर है, जाना पड़ेगा, गेट भी वहाँ है, अरे यहीं पे छोड़ दिया अंदर, इसलिए पूछ जाते ना, नहीं 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 पूरे मत, चलते ना, अरे ना आगे गेट, आगे गेट है। तो भाई हम लोग चलते हैं, अभी कहाँ चल रहे हैं हम लोग, हुसैन सागर चलेंगे, हुसैन सागर चलेंगे, हुसैन सागर से बाद भाई फोटो फोटो कैसा आ रहा है हमको तो मालूम नहीं चल रहा है, बस पूरा आँख से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा क्योंकि धूप ज़्यादा है। बाद में आप हम लोग आगे भी यहाँ पर फोटो शूट करेंगे, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से दिखता है वो, नहीं नहीं आप लोग को दिखेगा, हमको तो ऐसे दिखेगा बैक से ही। तो ये है भाई, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, तो यहाँ से अंदर से जा सकते हैं, तो यहीं से अंदर आ गए हम लोग, गेट की ज़रूरत नहीं थी। तो अब चल रहे हैं क्या अंदर पार्क के अंदर। अरे यार उसको बहुत बुरी तरह से डिजाइन किया गया है, देखो यार जो दिख रहा है ना ऊपर वहाँ पे, तो उसको बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है वहाँ पे, उसको भी देखेंगे अंदर से बहुत। तो यार सीप जो होता है ना वो क्या बोलते हैं समुंदर में मिलती है जो, तो सेम टू सेम वही सेप दिया है उसको, बहुत ज़बरदस्त है। तेलंगाना मेमोरियल है, ये मेमोरियल हॉल। चलो भाई तो पार्क के अंदर जा रहा हूँ, पार्क के अंदर जाने के लिए 20 रुपीज़ की टिकट है, इसके अंदर जाऊँगा। यहाँ पे चेक चाउक होगा कि कौन क्या लेके, कुछ तो लेके जा नहीं रहे, तो हम रुके हुए हैं यहाँ पे। क्या 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 लिया, चलो अच्छा यार, क्या ले लिया वो, ले लिया वो, अरे यार ले लिया यार, बहुत बिलाल का यार बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सामान ले लिया, आते समय लेना पड़ेगा हम लोग को। तो बिलाल दिख नहीं रहा यार, तू दिख रहा हूँ यार, कुछ सुकून वाला, सुकून वाला प्लेस दिख रहा है ना, कुछ मैंने जो पंप्स है ना, क्योंकि जब पानी गिरता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, ये जो पानी का जो हवा होती है ना बहुत मस्त लगती है। यस तो भाई साहब आप देख सकते हो, तो ये है हुसैन सागर, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग करना है ना, बोटिंग तो करना है, हाँ करेंगे बोटिंग यार, पूरा बोटिंग करेंगे। हाँ तो भाई साहब बच्चे हैं पीछे, धीरे चले। तो कहाँ जाना है, पहले बोटिंग करेंगे, थोड़ा सा बोटिंग करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से 5 बजे निकल जाएंगे, वो गुड रहेगा। तो भाई ये हुसैन सागर है, ये दिख रहे हैं ना, ये है हुसैन सागर जो आपको दिख रहा है। तो आपके यहाँ बोटिंग का प्राइस क्या है, वो सारी चीज़ को पूछना पड़ेगा। खाने के लिए शॉप्स हैं, बिलाल रेट पूछना यार, स्पीड बोट का कितना है, 400 रुपया, डिलेक्स फैमिली बोट 700 रुपया, 500, 100 रुपया भी है रे एडल्ट 100 चाइल्ड। चलो ना आपको ये बोट होने से काम है, बड़ा वाला तो मैं कितना मजा आता है, वो तो सबको डेली आके जाते हैं, कोई बात नहीं जब कमाएंगे तब आएंगे फिर बुकिंग काउंटर। नो मार्क्स नो टिकट, मेरे पास मार्क्स है भाई,
किसी को मार्क्स नहीं है। तो ये बड़ी वाली बोर्ड है, मोस्टली लोग बड़ी वाली बोर्ड में जा रहे हैं। अरे चलो कर ले बड़ी वाली बोर्ड का, कुछ कुछ नहीं होने से होना चाहिए ना, क्योंकि छोटी वाली बहुत बहुत पैसा लगेगा ना जैसे। हाँ आप लोग का, तो भाई बोटिंग करेंगे बड़े वाले बोट पे, ये जो दिख रहा है आपको। तो बिलाल गया है टिकट काटने के लिए, अधिक दूर तक नहीं जाएगा हमको तो लग रहा है। वो जो बोट देख रहे हैं सिंगल वाली बोट, तो उसके चार्जेस 700 रुपये हैं, और 700-500। और ये जो बड़ी वाली बोट तो देखे ना, ये 100 रुपीज़ है, और बच्चों के लिए 80 रुपये, इसमें स्टूडेंट के लिए 80 रुपीज़ है। ले बिलाल ले। तो यहाँ पे है क्या, तो भाई टिकट काट लिया हूँ जो 50 रुपये पर हेड पड़ा। तो अब चल रहा हूँ अंदर बोर्ड के अंदर, इधर से देना होगा। तो ये है टिकट काउंटर में चेक हो गई और फट गई टिकट, तो चल रहा हूँ अंदर भाई। ओहो ये नहीं है रे, वो है, हम सोचा यही कमा है। तुम भी सोचा यही है ना। तो नहीं, हमको मालूम नहीं था। तो भाई बोर्ड पे जा रहा हूँ, आप जगह मिलेगी तब तो फिर। अब भाई सब देखो, मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई। हाँ मेरा फर्स्ट टाइम है। वो गांव वाले नाव, वो गांव वाले नाव में चला हूँ। नहीं नहीं, मैं उसमें तो नहीं गया हूँ। हाँ तो इस पर तो गया हूँ, इधर कुछ है, बारिश भी आ रही है ना। मैं चल रहा हूँ अंदर भाई। चलो 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 जल्दी और चलो कहीं रास्ता देखो, बगल में देखो, बगल में साइड में उधर है जगह, देखो तो खड़े रहना नहीं है यहाँ पे, तो ये दिक्कत हो जाएगा आगे से। वहाँ पे वहाँ पे व्यू अच्छा आएगा। तो भाई पूरा खचा खच खड़ी हुई है यहाँ पे, अच्छा आएगा व्यू नहीं आ रहा, व्यू अच्छा नहीं आ रहा है, बस खुल गई है। तो भाई एंजॉय करो, खुल गई है तो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं अपना कैमरा का एंगल चेंज कर देता हूँ। तो हेलो गाइस, तो ये समुंदर का मज़ा रहा। हम लोग को जाना है, हम लोग का वो जो डिस्टिनेशन है वो दिख रही ना, वो डिस्टिनेशन पे जाना है हम लोग को यार। एक अलग सा चील है, एक अलग सा मज़ा है। कभी कभी आ जाया करो यार, अगर किसी को एड्रेस चाहिए तो हमसे। चलो दोस्त, पे जो डिस्टिनेशन था वहाँ पे पहुँच गया हूँ, पानी पानी से मज़ा आ गया यार। ये जानते हो आप लोग क्या है भाई, जो जानते हो कमेंट करो, सब जानते हो, इसे कौन नहीं जानता है। इसका यानी कि जन्म स्थान बिहार है। यस बिहारी है ना। हाँ यार तुमको मालूम है, तुम नहीं जानते इसको, बाद में नेपाल चले गए। गौतम बुद्ध, यस आपने सही गेस किया। देखो भाई वो एक बहुत दूर उतर रहे हैं यार, भीड़ तो अच्छी खासी है जाने का और आने का। तो यहाँ पे बनाया गया था इसको, तो यहाँ से कुछ नज़ारा कुछ अलग सा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी स्टैचू बनाया गया है, आप तो इसको जानते ही होंगे, अवकर्ष सब जानते हैं इसको और अच्छी तरह जानते हैं, बिहार वाले तो और अच्छे से जानते हैं इसको। तो यहाँ से भाई मज़ा यार, अलग सा मज़ा है। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो को पॉज करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे फोटो बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं बिलाल को बोलूँगा यार मेरा एक दो फोटो ले ले यार, सिंगल सिंगल मज़ा आ जाएगा। बिलाल देख ले इधर, अच्छा है दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा हूँ। देखो भाई बादल भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं यहाँ पे।